और मैं एक और चीज़ बता दूँ आप सभी लोगों को जानकी झूला के बारे में। जानकी झूला ये एक ऐसा लोता झूला है यहाँ पे ऋषिकेश में, जहाँ पर गाइस देखो बैड न्यूज़ है, जो बीटलेस आश्रम के अंदर मैं जाने की सोच रहा था आप सभी लोगों को दिखाता व्लॉग में, वो एक्चुअल में इलेक्शन के चक्कर में वो भी क्लोज है। पता नहीं क्या इशू चल रहा है इलेक्शन में, ये सारी चीज़ें बंद क्यों कर रखी हैं इन्होंने ये चीज़। तो गाइस मैं भी आया हूँ परमार्थ निकेतन घाट है आरती गए को त्रिवेणी घाट, तीन चार घाट हैं ऋषिकेश में, अब दूसरे पदे पे आए हूँ। और ये हमें छोटे की सामने की साइड उधर। गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में वैसे बताया था कि ऋषिकेश में अभी इलेक्शन चल रहे हैं और आज है 19 अप्रैल, इसलिए यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर मार्केट बंद ही पड़ी है, विक्रम भी बहुत कम चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, घूमने के लिए जा रहा हूँ, कहीं लोकल घूम के आऊँगा क्योंकि बाहर तो कहीं जाने से रहा। अब घूमते हैं कहीं पे, अभी जानकी ब्रिज वाली साइड जा रहा हूँ, जानकी ब्रिज दिखाएंगे आपको, उसके बाद उसके पास ही 84 कुटिया है, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले तो सॉरी, रोंग प्रोनाउंस हो जाए कुछ। तो अभी जानकी ब्रिज जाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ये देखो यह है कुछ माहौल, अभी राफ्टिंग वगैरह वाले सारे लगभग बंद मिलेंगे आज, अब देखते हैं कैसे होता है, जैसा भी होगा बताता हूँ आप सभी लोगों को, अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं आप सभी लोगों को आगे जाके, अगर विक्रम वगैरह मिलता है तो आप सभी लोगों को बता दूँगा, नहीं तो फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अभी आ चुका हूँ मैं विक्रम से, उतर चुका हूँ जैसा ये दिख रहा है, और इधर से जा रहा रास्ता जानकी झूला के लिए, तो जानकी झूला पे जा रहा हूँ, वहाँ से दूसरी साइड जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे और कुछ घूमने के लिए होगा। सारी कुछ मैं आप सभी लोगों को डिटेल में बता दूंगा वीडियो के अंदर ही। अभी ब्रिज को क्रॉस करके उधर वाली साइड जाएंगे, और मैं ब्रिज क्रॉस करते हुए की वीडियो आप सभी लोगों को दिखा दूँगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपको आगे ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। तो गाइस जानकी झूला के ऊपर आ चुका हूँ मैं, चढ़ चुका हूँ, और मैं एक और चीज़ बता दूँ आप सभी लोगों को जानकी झूला के बारे में। जानकी झूला ये एक ऐसा लोता झूला है यहाँ पे ऋषिकेश में, जहाँ पर व्हीकल्स के लिए जाने के लिए जगह बनी हुई है। देखो बीच में चलने के लिए, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ इधर सामने से अंकल आंटी भी आ रहे हैं, तो ये है एक्टिवा वालों के लिए, ये पैदल वालों के लिए, और ये दूसरी साइड से आने वालों के लिए है, और गाड़ी वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है, गाड़ी के लिए जगह नहीं बनी हुई यहाँ पे। ये इन्होंने बहुत बढ़िया किया हुआ है कि व्हीकल्स भी जा सकते हैं यहाँ से, और पैदल वालों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि इसी जगह पर दूसरी जगह जाने में फिर दिक्कत होती थी, इन्हें बहुत ज़्यादा दूर से घूम के जाना पड़ता था। जानकी ब्रिज के कारण यही फ़ायदा हुआ है कि जो मोटर व्हीकल्स वगैरह वाले लोग हैं वो आराम से यहाँ से गंगा को क्रॉस करके, ये देखो ये गंगा है नीचे, गंगा को क्रॉस करके उधर वाली साइड इजीली जा सकते हैं। अब उधर वाली साइड मैं भी पहुँचने वाला हूँ क्रॉस करके, देखते हैं फिर आगे कहाँ जाएंगे घूमने। वहाँ सामने लोग नहा रहे हैं नीचे की साइड, वो देखो उधर नहा रहे हैं लोग, बहाव बहुत तेज हो रखा है गंगा का, देखते हैं अब आगे क्या होगा। आगे चलते हैं अभी घूमने के लिए, मिलते हैं उस जगह पे जाके। बाय।
गाइस इधर क्रॉस करके आ चुका हूँ, ये रहा जानकी ब्रिज सामने, और अब जा रहा हूँ मैं बीटलेस आश्रम। बीटलेस आश्रम की जो भी डिटेल होगी मैं आपको वहाँ पहुँच के सारी की सारी बता दूँगा, पूरी हिस्ट्री वगैरह जो भी होगी सारा कुछ मैं आप सभी लोगों को इसी वीडियो के अंदर बीटलेस आश्रम के पास जाके बना के वीडियो जब बनाऊँगा उसी के अंदर डाल दूँगा, मैं आप सभी लोगों को दिखा दूँगा। और ये देखो ये पैदल वालों के लिए रास्ता बना हुआ है, उधर से व्हीकल्स जाते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जानकी ब्रिज से कोई 50 से 300 से 400 मीटर है, ये देखो अब यहाँ से रास्ता मुड़ जाएगा, 300 से 400 मीटर के अराउंड है जानकी ब्रिज से बीटलेस आश्रम। हम मिलते हैं आप सभी लोगों को बीटलेस आश्रम जाके, और उसके सिनेमैटिक्स होंगे तो वो मैं आप बना के और सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर ही डाल दूंगा बढ़िया सिनेमैटिक बना के। वहाँ के मिलते हैं आपको वहीं जाके, बाय गाइस। एक और बैड न्यूज़ है, जो बीटलेस आश्रम के अंदर मैं जाने की सोच रहा था आप सभी लोगों को दिखाता व्लॉग में, वो एक्चुअल में इलेक्शन के चक्कर में वो भी क्लोज है। पता नहीं क्या इशू चल रहा है इलेक्शन में, ये सारी चीज़ें बंद क्यों कर रखी हैं इन्होंने, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आता हमारे, क्योंकि अगर हम देखें हमारे वहाँ भी होते हैं इलेक्शंस तो, लेकिन वहाँ पे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई काम या टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह बंद कर दी जाएं। अब देखते क्या होता है, कुछ और होता है घूमने वाला, कोई टेंपल्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होगा आप सभी लोगों को बता दूंगा, वीडियो के अंदर ही डाल दूंगा। करते हैं कुछ और मिलते हैं फिर आपको आगे जाके जहाँ भी घूमने के लिए जाएंगे, अभी तक तो पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं फिर आगे। तो गाइस मैं भी आया हूँ प्रमात निकेतन घाट है, आरती का एक और त्रिवेणी घाट, तीन चार घाट हैं ऋषिकेश में, अब दूसरे वाले पे आया हूँ। ये देखो प्रमात निकेतन, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद अगर हो सका तो शाम को आरती के दर्शन करा देंगे यहाँ से, चलते हैं देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं आपको नीचे, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे फिर घूमने के लिए चलेंगे कहीं, बाय। तो गाइस आ चुका हूँ अंदर, आप सभी लोग देख सकते हो गंगा जी के दर्शन कर सकते हो यहीं से, ये देखो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हो गाइस यहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पे सामने आरती होती है शाम को, अगर हो सका तो शाम को आऊँगा एक बार और आप सभी लोगों को आरती के दर्शन जरूर कराऊँगा, नहीं तो क्या पता शायद से हॉस्टल वाले हमारे टूर लेके जा रहे हैं वो त्रिवेणी घाट लेके जाएंगे, अगर उनके साथ गया तब बात लग गया, नहीं तो यहीं पर आ गया आप सभी लोगों को आरती के दर्शन कराऊँगा, वो इसी वीडियो के अंदर एंट्री कर दूंगा मैं उसी की आरती की, तो मिलते हैं आपको फिर बाद में, बाय। गाइस अभी आके मैं यहीं पे बैठा हुआ था घाट पे, ये देखो ये कुछ औसम सा व्यू, और मैं आराम से पैर डाल के बैठा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और गंगा जी का पानी बड़ा ठंडा है, तो मज़ा आ रहा है ऐसे बैठने में पैर रख के, और कोई तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं ज़्यादा घूमने के लिए, अगर कोई ऑप्शन हुआ तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन मेरे लिए अभी बंद ही हैं इलेक्शन की वजह से, अब जहाँ भी कहीं घूमने के लिए जाएँगे आप सभी लोगों को बता दूँगा, नहीं तो ये घाट तो है ही है, यहीं पे बैठे रहेंगे थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद शाम को एक ही बार आरती दिखाएंगे, बीच में चले जाएंगे हॉस्टल जाना होगा तो, देखते हैं अब क्या करते हैं आगे, मिलते हैं फिर बाद में आप सभी लोगों को फ्री होने के बाद, बाय। तो गाइस अभी आया हूँ मैं ये प्रमात निकेतन, जो घाट है उसके सामने ही आश्रम बना हुआ है एक, उसके अंदर आए, ये देख सकते हो आप ये मेन गेट और उसके सामने घाट है प्रमात निकेतन, ये मेरे ख्याल से आश्रम है परमात्मा के इतना आश्रम है, और साइडों में आपको यहाँ पे देख सकते हो आकृतियाँ बनी हुई मिलेंगी,
अब इसके अंदर घूमते हैं, देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नीचे लिखा भी हुआ है उनके बारे में कि कौन है। और ये जब श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था उसके ऊपर भी इन्होंने मूर्ति बना रखी है, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो आप सभी लोग, कलाकृति वगैरह बहुत बना रखी है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, फिर मिलके आप सभी लोगों को बताते हैं। यहाँ भी आप सभी लोग आ सकते हो घूमने के लिए, उसके सामने ही परमात्मा के तरह घाट के। देखते हैं कुछ खाने का भी यहीं से ले लेंगे, जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ सामने भोजनालय ऊपर। यहाँ चल के कुछ खा भी लेंगे, अभी पीछे की साइड थोड़ा सा घूमते हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे और प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी बना हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पे आके कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है गाइस आश्रम, बहुत बड़ा भी है, आप सभी लोग आके एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। कोई इसकी टिकट फीस वगैरह नहीं है, फ्री है। हाँ ऐसा ज़रूर है कि आपको खाने पीने की पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी अंदर। चलते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद आप सभी लोगों को आश्रम घुमाएंगे और अच्छे से मिलते हैं बाद में। मैं अभी आश्रम के अंदर आया था डाइनिंग हॉल में, तो मैं आप सभी लोगों को प्रेफर ज़रूर करूँगा, अगर आप सभी लोग इधर वाली साइड हैं तो आप ज़रूर आश्रम में आएँ और खाना खा सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको इतना बढ़िया टेस्ट मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेन्यू एक बार मैं वैसे दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, ये देखो ये मेन्यू है इनका। आप अगर इनको लेना चाहो यहाँ से तो ले सकते हो आप सभी लोग खाने के लिए, बहुत अमेजिंग फूड है। मैंने एक्चुअली में भी परौंठे खाए थे और लस्सी पी रहा हूँ, ये लस्सी मुझे पड़ी 70 रुपीस की। जैसा भी होगा मुझे तो सही लगा। देखो गाइस मैं 2 दिन से वैसे ऋषिकेश के अंदर हूँ, मुझे फूड वगैरह इतना बढ़िया नहीं लगा, और जैसा भी होगा आप सभी लोगों को मैं बता दूँ मुझे सही लगा फूड। आप सभी लोग अगर जो ये घाट था इसके अंदर खाते हैं तो आप उसी के सामने आश्रम होगा, वहाँ पर आके भोजनालय में आप लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं आप सभी लोगों को बाहर जाके, फ्री होकर मिलते हैं। फाइनली फ्री हो चुका हूँ मैं खाना खा के, आप सभी लोग परमानंद आश्रम में आ सकते हो। परमार्थ, सॉरी मेरे पे गलती हो गई थी मुझसे थोड़ी, परमार्थ आश्रम है और परमार्थ निकेतन जो घाट है उसके सामने ही बना हुआ है। खाना बहुत सही है, आप थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी आ सकते हो फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को, रिजनेबल प्राइस है। और तो अब घूमते हैं देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये देखो थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं अगर और कहीं जाना हुआ एक्सप्लोर करने के लिए तो चाहेंगे, नहीं तो फिर हॉस्टल में जाके सो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो मिलते हैं फिर वहीं पे। बाय।
फाइनली अभी राम झूले के पास आया हूँ। अब देख रहा हूँ बोट राइड करूँगा शायद। ये देखो ये सामने बोट खड़ी है, देखते हैं बोट राइड करेंगे और आप सभी लोगों को सिनेमैटिक्स दिखा दूँगा मैं। मिलते हैं आपको फिर बोट जब स्टार्ट होगी उसके बाद। बाय। फाइनली स्टार्ट हो गई है देखो बोट हमारी, और ये हमें छोड़ेगी सामने की साइड उधर जहाँ वो दूसरी बोट खड़ी है उसके पास छोड़ेगी है। फिर उसके ऊपर वहाँ पे साइड में से रास्ता जा रहा है, उसके बाद ऊपर जाके ऑटो फिर हॉस्टल जाएंगे सीधे। फाइनली क्रॉस करके आ चुके हैं गंगा जी को। इसके में बोट की टिकट पड़ी 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप सभी लोग अगर थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को तो इस राइड को ज़रूर करें। रिवर राफ्टिंग जैसा मज़ा तो नहीं करेगी लेकिन थोड़ा तो मज़े आते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब आ चुके हैं हम दोबारा राम झूले वाली साइड जहाँ से हमने पिछले व्लॉग में एंडिंग करी थी, क्योंकि हम वहाँ से फिर वापस अपने हॉस्टल चले गए थे राम झूला दिखा के सुबह सुबह। अब हम वापस यहीं से हॉस्टल की साइड चलेंगे और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। बाय।